अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस टाइप की वीडियो एडिटिंग जो अभी आपने सैंपल वीडियो में देखी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी वीडियो में भी वो रिजल्ट आ सके जो अभी आपने सैंपल वीडियो में देखी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कोई एडिटिंग की अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने 16:9 की रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो इमेजेस लगानी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं कुछ सैंपल के तौर पर ये पिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में आ जाना। स्टार्टिंग में आने के बाद आपने किसी एक पिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको साइड बार में कैंची के साथ एरो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, हाथ की मदद से तस्वीर को फुल टू स्क्रीन करके आपने इक्वल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने सारी पिक्स को ऐसे फुल टू स्क्रीन एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं जल्दी से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में आ जाना। दो पिक्स के दरमियान आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आपको नीचे गेट मोर का बटन नज़र आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले आपने अपना डेटा या वाईफाई को ऑन कर लेना है। फिर आपने गेट मोर के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको साइड बार पर क्रॉस बेल्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपने नीचे स्वाइप करना है और आपको ये क्रॉस लाइन वाले इफ़ेक्ट को आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपने इस इफ़ेक्ट को सारे इमेजेस पर आपने अप्लाई कर देना है। ये क्रॉस लाइन वाले इफ़ेक्ट पर क्लिक करके आपने ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर देना। इस तरह आपने सारी पिक्स पर अप्लाई कर देना। तो दोस्तों, मैं जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ सारे इफ़ेक्ट्स को, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फिर दोस्तों, आपने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों, फिर कैन मास्टर ओपन करना है। प्लस के आइकन पर आपने क्लिक करना है। 16:9 की रेशियो को आपने फिर से सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों, जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट की है उसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ओके कर देना। फिर आपने स्टार्टिंग में आ जाना। इसी को दोबारा सेलेक्ट करके आपको ये क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके आपने एंड पर गेट मोर के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको ये स्टाइलिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करके आपने ये म्यूज़िक एल्बम वाला क्लिप ग्राफिक्स आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी है तो इसे मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। फिर दोस्तों, आपने इस फाइल को सिलेक्ट करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना और आपको जो म्यूज़िक एल्बम वाला डाउनलोड किया वो नज़र आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करके आपको ये आर्ट इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। आप जो मर्ज़ी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो फ़िलहाल दोस्तों, मैं ये 5 वाला लगा रहा हूँ जो आपको सैंपल के तौर पर दिखाया था। तो ये 5 पर लगाने के बाद आपको ये वीडियो इस तरह की नज़र आ जाएगी जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो आपने इस फाइल को दोबारा सिलेक्ट करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको साइड पर ये 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड करके आपने ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपकी वीडियो हो गई है रेडी, तो एरो पर क्लिक करके आपने एक्सपोर्ट कर लेना है।
तो जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी बात की नहीं समझ आ रही, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मैंने नीचे अपनी आईडी का लिंक भी मेंशन किया हुआ है, उस पर जाकर आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।